लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। स्पोर्ट्स डेस्क भारत के तेज गेंदबाजों और पूरी दुनिया में यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह ने अपने जिंदगी को लेकर कई राज खोले हैं। बुमराह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अपने डेब्यू को लेकर काफी नर्वस थे और उन्हें डर भी लग रहा था। उन्हें लगता था कि सीनियर खिलाड़ी उनके पास आएंगे और उन्हें हॉन्ट सलाह देंगे, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आया। बुमराह ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जिस दिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा उस वहां पर दिन बारिश हो रही थी, जिस कारण अभ्यास ही नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अब खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि किसी ने मेरा खेल देखा ही नहीं है। इसलिए मैं मैच पहले काफी फ्री था, लेकिन अगले दिन टीम मीटिंग के दौरान मेरे पास उस समय के टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री आए और पूछा कि क्या आप खेलने के लिए तैयार हो। मैंने कहा, हाँ, पर क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम आज खेल रहे हो और मैं उस समय बहुत डर गया था और दबाव में भी था। उसके बाद मैंने खुद को कहा, कोई बात नहीं, घरेलू मैच जैसा ही है। मैं लगातार सोच रहा था कि कोई सीनियर खिलाड़ी मेरे पास आएगा और कुछ बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग ग्राउंड पहुंच गए और टॉस भी हो गया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी कुछ बताने के लिए नहीं आया। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैच से ठीक पहले एमएस धोनी ने मुझे बुलाया और कहा, अपनी तरह खेलो और जैसे तुम खेलते हो और मैच के मजे लो। मैंने जितना सोचा था ये उससे कम था, लेकिन उस मैच को मैंने ऐसे खेला जैसे कि गुजरात के लिए खेल रहा हूँ।